ओडिशा रे पेडी प्रोक्योरमेंट बा धान किणा बिका को नहीं बीजेपी रो भाई माने ओडिशा सरकार को ऊपर जो अपवाद दोछंती चासी कुलों को जेपरी विभ्रांत करुछंती तांकर दोमोहा नीति चासी माननको पाई जो कुंभीर कांदणा तार जवाब रखिबाकू एवं ओडिशा रो समस्त चासी कुलों को सत कोण मिछ कोण ता अवगत करिबाकू एही प्रेस मीट आहुत हेछि। आपण माने समस्ते जानिथिबे जो ओडिशा रो पाखा पाकी 76% लोक चासी आपण माने मो आमे समस्ते चासी कुल रो झियो बहु भाई एवं ओडिशा रे 2000 मसीहा पूर्वरु ओडिशा को ओडिशा बाहरे लोके गोटे भोकर भूखंड बोली जानते जो समय रे बिजु जनता दल रो सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा रे सही चासी कुलों को तांको आशीर्वाद रे निर्वाचित होकर आसिले प्रथम थर मुख्यमंत्री हेले सही समय रु आज पर्यंत चासी भाई मान को तांकर उपार्जन क्षमता तांकर अर्थनैतिक उन्नति होची बिजु जनता दल रो प्रथम आभिमुख्य प्रथम कर्तव्य से चासी भाई मान को सहित बिजु जनता दल गोटे भागवत संपर्क रही आय किपर भाव द्विगुणित हे तांकर स्वार्थ रक्षा हे किपर भाव से ही चासी माने गोटे सम्मान सहित जीवन जापन करिवे सेति प्रति ओडिशा सरकार सबुबेले तत्पर 2011 मसीहा ठारु आमे चाउल रे गोटे बड़का राज्य भाव रे भारत वर्ष रे उभा हिछु एवं समस्त श्रेय जाउछि माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पाखु कृषि एवं कृषक रो उन्नति प्रगतिशील कृषि नीति आधुनिक ज्ञान कौशल अधिक अमलक्षम बिहन समस्त प्रकार सब्सिडी चासी मान को दिया होची स्वतंत्र कृषि बजेट कृषि नीति कृषि कैबिनेट यही सबो जुगांतकारी पदक्षेप लेइछंती माननीय मुख्यमंत्री जो थी कि आज ओडिशा रे चासी मानकर आय द्विगुणित होई एवं समस्त चासी भाई माने सम्मान रो सहित बंची पारु छ एही सबो सुविधा को देखी आज बीजेपी भीतग्रस्त हो पड़ी भय लगी भितर जे से चाषी कूल आम को बारंबार प्रत्याख्यान कर सारी किपर भाव में ओडिशा सरकार को अपवाद दिहब किपर भाव में चाषी कूल को विभ्रांत कराव किपर भाव में ओडिशावासी को विभ्रांत कराव से ही चिंतार समस्ते लगिपड़ आपण मैंने जानिथिबे जे समस्त पेडी प्रोक्योरमेंट सिस्टम एडा होचे केंद्र सरकार कर दायित्व देन केंद्र सरकार कर एजेंट भाबरे ओडिशा सरकार से सर्वनिम्न सहायक मूलक अंतर्गत जो धान प्रक्रिया धान प्रोक्योरमेंट सिस्टम को ओडिशा सरकार लागू करिसन दुर्गम अंचल हो ओडिशा रा 30टा जिल्ला रा सब चासी भाई माने किपर भाव में सरल उपाय रे सुविधा उपाय रे तांकर कष्टोपार्जित धान को बिक्री करि परिबे एवं जहाँ सरकार स्थिरीकृत होई केंद्र सरकार एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पाई परिबे से ही कार्यक्रम ओडिशा सरकार लेछन एवं ए पेडी प्रोक्योरमेंट सिस्टम रे जहाँ किछि नीति निर्धारण करा हुए सब केन्द्र सरकार ही करंथि जेतेबेले पेडी प्रोक्योरमेंट आरंभ हुए वर्ष केएमएस माने खरीफ मार्केटिंग सीजन जेतेबेले आरंभ हुए तार बहु पूर्वर केंद्र सरकार निर्धारित करते नीति नियम एवं से ही नीति नियम आधार रे ओडिशा सरकार धान प्रोक्योरमेंट करते 2003-04 मसीहारु ओडिशा सरकार ए पेडी प्रोक्योरमेंट सिस्टम
केन्द्र सरकार का आधार रे जो एमएसपी कार्यक्रम जहाँ करू सुरखुरु चल आसे किपर भाव सरल सुविधा एवं स्वच्छ भाव गोटे चाषी तार प्राप्य पाईपर से सरकार अनेक डेभलपमेंट ए भितर कर सारे डिजिटाइजेसन कराला चाषी पंजीकृत कराला चाषी को टोकन व्यवस्था दिहला चाषी धानर पैसा 24 घंटा रु 48 घंटा भितर किपर भाव डायरेक्ट सीधा तर अकाउंट को जीव से व्यवस्था कराला एवं आपण मैंने जान रखा उचित जिते बड़े भी प्रोक्योरमेंट सीजन आरंभ हुए सरकार बैंक रु लोन आनती ओडिशा सरकार केन्द्र सरकार आगर पैसा दिखती ना ओडिशा सरकार ओडिशा सरकार विभिन्न बैंक रु ऋण लगे से ही ऋण पैसार चाषी धान क्रय करा आपण मैंने जानवा कथा ओडिशार चाषीकूल जानवा कथा जे ओडिशा सरकार ऋण कर चाषी मान धान किणे एवं परवर्ती समय ताकू केन्द्र सरकार भरणा कर तो जितेबले प्रोक्योरमेंट सिस्टम को सहज सुविधा स्वच्छ करने रजिस्ट्रेशन करागला एवं पंजीकृत जितेबले कराला चाषी मान ना से ही समय से व्यवस्था रहा गोटे फॉर्म रे गोटे चाषी भाई लिखिकी देवे जे के समय धान प्रोक्योरमेंट हम कौ सीजन हे एवं केते परिमाण रो हबो से तार आनुमानिक समय देबे एवं सही समय अनुसारे तांकर टोकन जेनरेट हबो एवं टोकन रो एसएमएस तांको पाखो को जीवो एई सही अनुसारे से धान मिल को मार्केट को आनिबो एथिरे गोटे कथा बीजेपी भाई माने आमको दउछन्ते अपवाद दउछन्ते जे टोकन सिस्टम काई कि लागू करा आज्ञा दि वर्ष पूर्वरु तीन वर्ष पूर्वरु जते बेले टोकन सिस्टम हेइ नथिला सेतेबेले बीजेपी भाई माने सही कथा कहुतिले जे स्वच्छ हो पारलानी धान किणा बिका नीति आपण स्किप करी धान बिका जाउची जणे आनिला मंडी को तार धान बिक्री न करी दलाल रो धान बिक्री करा होउची व्यापारी रो धान बिक्री करा होउची तो एई सबू व्यवस्था को ओडिशा सरकार दृष्टि रे रखी आज टोकन सिस्टम लागू करिछन टोकन सिस्टम कौन गोटे चाषी को तार निर्धारित समय अनुसार जहाँ चाषी फॉर्म रे फिलअप करते मोर धान टेंटेटिवली 10 तारीख रे हबो से ही 10 तारीख रे सरकार तरफ पाखक टोकन इश्यू हो दिन में जिते जनकर टोकन इश्यू है से माने लाइन रे से ही धान बिकबे 1 2 3 4 5 6 7 जिते जनकर थी लाइन रे धान बिक्री कर से कौन प्रकार दलालगिरी चलो ना मध्यस्थी चलो ना अन्य जिल्लारु आसिकी जो माने दौरात्म करूथिले व्यवसायी सेहीटा चलिबो नाही जो चासी धान बिके आनिला टोकन माध्यम रे से सीधा सड़क भाव रे जे कि धान बिक्री करि पारि एवं आहुरी स्वच्छ करिया पाई आहुरी ए धान किणा बिका प्रक्रिया को स्वच्छ करिया पाई सरकार आइरिस स्कैन कल जो मॉडलटा आज यूपी रे बीजेपी शासित सरकार ग्रहण करिया पाई 5 मास पूर्व गोटे बड़ तुम्बी तोफान करथिले से ही कथा कौन बीजेपी भाई माने जानु ना से माने जो आक्षेप करुछंती आज टोकन व्यवस्था को से भूल बोली प्रमाणित करने को चाहूँगी से माने जानिबा कथा जो माने इटा भूल प्रमाणित करुछंती से ही माने ही से मिलर से जो व्यापारी मान को अंतराज्य जो माने दौरात्मक करुछंती व्यवसाय तांकू से माने प्रोत्साहन दउथिले जदि प्रोत्साहन दे नथांते ताले टोकन सिस्टम को से माने विरोध कर नथांते तो आज जिते स्वच्छ करने को ओडिशा सरकार चाहती आपण मैंने विभ्रांतिकर तथ्य ओडिशावासी को दौरान कृषक भाई मान को दौरान ओडिशा सरकार को अपवाद देवाई चेष्टा करते बड़े आईरिश स्कैन होणसी लोक ठकी पारना जे यही लोकर धान आसला यही लोक बदल अन्न जड़े आसिक धान बिक्री कला यही जिनस आसबना यही कथ लोकों भितर प्रचारित होना जी धान टोकन पाइला से ही आसिकी आईरिश स्कैन कर आईरिश स्कैन कलापर 24 रु 48 घंटा भितर ताकू डायरेक्ट अकाउंट रे पेमेंट होता कौन सी लोक से पेमेंट देवेनि चेक माध्यम रे हेबनि सीधा सड़क अकाउंट को जी एत स्वच्छ जितेबले करा होची से ही समय बीजेपी भाई माने सब बेले मीडिया सामने कहउछंती जे ओडिशा सरकार एटा टोकन देखि भूल तापर आउ गोटे कथा भाई माने ओडिशार चाषी जानिबा कथा कि जो प्रोक्योरमेंट सीजनटा दिया होची टाइमटा दिया होची सेटा ओडिशा सरकार स्थिर करंती ना सेटा केंद्र सरकार तयार करंती
केएमएस बा खरीफ केएमएस जिते बड़े आरंभ हुए 2020-21 एटा खरीफ सीजन एवं रबी सीजन को लेकिन हुए खरीफ समय रे नवंबर रु मार्च मास पर्यंत आमर रहे प्रोक्योरमेंट समयटा नवंबर 1 रु आरंभ हेबा मार्च पर्यंत रहिबा किंतु रबी सीजन रे सेटा मात्र गोटे मास रह मे रु जून एटा ओडिसा सरकार निर्धारित करंती नाही ए को सीजन रे को समय रे धान बिक्री हेबो एटा ओडिसा सरकार निर्धारित करंती नै एटा केंद्र सरकार गोटे केएमएस आरंभ हेबार बहु पूर्व रु निर्धारित करंती जे केएमएस 2020-21 आरंभ हेबो खरीफ रे नवंबर रु मार्च मास पर्यंत एवं रबी रे मे रु जून मास पर्यंत सेटा विभ्रांत करबा को चाहूचंती बीजेपी भाई माने जे एही समय काई सरकार एही गोटे मास देले टोकन काई 15 दिन देले जेहेतु गोटे मास रहिला मे रु जून केवल प्रोक्योरमेंट सीजन रहिला जदि टोकन रो अवधि 15 दिन न हेबो ताहेले वर्षा आसीबो चासी धान बिकी पारिबे नै किंतु सही समय रे हमर जते बेले खरीफ बिक्री होउछि सही समय रे 30 दिन हमर टोकन रो अवधि रहउछि मासे काल रहउछि जेहेतु नवंबर रु मार्च मास पर्यंत हमर धान बिक्री रो समय अछि आज सारा ओडिसा रे विभ्रांत करजोंते काई टोकन करा गला काई टोकन रो अवधि 15 दिन करा हला काई टोकन रो अवधि 30 दिन करा हला सही कथा मध्ये ओडिसा वासी जानिबा अछि तापरे जते बेले प्रोक्योरमेंट सरुछि पूर्व प्रोक्योरमेंट नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट आरंभ होला बेलकू आम केन्द्र सरकार रु समस्त पैसा पाई जीवा कथा गत बर्षर 6,570 कोटी टंका जहा कि ओडिसा सरकार बंधा पड़ी निजे धान किनी चंती चासी भाई मानक आपण माने जानिथे कोविड समय रे मध्य चासी भाई माने एते खराब स्थिति रे मध्य जे कि धान चाष कले धान बिक्री कले एवं ओडिसा सरकार निजे बंधा पड़े बैंक रु ऋण आनी तांकु पेड कले किंतु आज से ही टंका मध्य 6,570 कोटी टंका ए पर्यंत केंद्र सरकार देना जो बीजेपी भाई माने बड़ पार्टी रे एठी पार्टी तुंड करछंती तांकर कर्तव्य नाही कि से चाहू नाहंती कि चासी भाई माने ओडिसा रे उपकृत होंतु से जदि चाहूचंती प्रकृति रे चासी कुल उपकृत होंतु से तांकर केंद्र सरकार पाखरे काई दाबी रखु नाहंती जे पूर्व वर्षर पूर्व सीजन रो काई कि धान 6,570 कोटी से पैसा देई नाहंती मु आमे दाबी रखुछु तुरंत केंद्र सरकार जे जो 6,570 कोटी टंका बकेया अछि ताकु पैठ करंतु द्वितीय कथा आमर जेते बेले चाउल दिया होए चाउल एफसीआई निए सेही समय रे गोटे समय दे थान ए वर्ष केंद्र सरकार दे छंती मात्र गोटे मास 30 जून पर्यंत दे छंती से माने समय जे चाउल उठा है किंतु ओडिसा सरकार कहि दिले जे नवंबर मास पर्यंत आपन टाइम दियंतु हमर सरप्लस चाउल देबा पई किंतु मात्र गोटे मास से समय वृद्धि कर जहाँ कि सफिसीएंट नुह आपण माने देखुछंती अदिनिया वर्षा अनेक दैवी भी दुर्विपाक रो राज्य ओडिसा एवं चासी कुल कोविड समय सेति पई सरकार जो दाबी रखिले जे 4 मास दिया जो समय सरप्लस चाउल देबा पई सेटा मध्य से वृद्धि कले ना आज जदि आमे देखिबा बहुत बीजेपी भाई माने पार्टी तुंड कले जे धान बिक्री हेई पारलानी चासी माने जाई कि बिक्री करि पारलेनी आपण माने देखंतु गोटे फिगर 2018-19 आमर 10,11,000 फार्मर पार्टिसिपेट करथिले आमर धान किणा भितर किंतु ए वर्ष 2020-21 मात्र 2 वर्ष भितर चासी फार्मर बढ़ी की हेछंती 13,94,000 जो माने कि पंजीकृत हेले ए 2 वर्ष भितर 3,83,000 चासी अधिका आसिके पंजीकरण व्यवस्था रे शामिल हेछंती पेडी प्रोक्योरमेंट व्यवस्था रे शामिल हेछंती एवं तार ग्रोथ के 38% ग्रोथ है यहाँ गोटे बड़ उपलब्धि ओडिशा सरकार जे आम स्वच्छ भाव स्वच्छता रक्षा करी सरल भाव सुविधा भाव सरकार धान किणा बिका करुछंती केंद्र सरकार को नियम को लागू करुछंती एमएसपी ठीक भाव दौंती मात्र 2 वर्ष 38% चाषी पंजीकरण बढ़ी यहाँ गोटे बहुत बड़ उपलब्धि यर्ष आमर 2020-21 77.33 लाख मेट्रिक टन आम
चाउल धान संग्रह कले जहाँकि आमर 18% अधिका ग्रोथ है संग्रह आम क्वालिटी लेवल ले भी चाषी पंजीकरण में भी आम अधिका है 38% एवं धान संग्रह में 77.33 लाख मेट्रिक टन आम धान संग्रह कलु जोटा कि सर्वकालीन रेकर्ड एवं आमर 18% अधिक आम धान प्रोक्योरमेंट कर तापरे आमे जीवा चाउल कथा को देखंतु ये जेते बले सरकार दौछंती चाउल संग्रह पाई जो सरकार दौछंती पैसा धान संग्रह पाई ओडिसा को देले ओडिसा सरकार को देले 3000 कोटी एवं एफसीआई को देले 2000 कोटी एवं एफसीआई जेते बले तार चाउल संग्रह करिबा कथा समस्त चाउल जदि संग्रह हो पारिबो ताहले जे परवर्ती धान प्रोक्योरमेंट सुरुखुरु हो पार एही वर्ष जो 77,33,000 मेट्रिक टन आम धान प्रोक्योर कला तार चाउल परसेंट हूँ 52.35 लाख मेट्रिक टन चाउल 52,35,000 मेट्रिक टन चाउल 77.33 लाख मेट्रिक टन धानरु चाउल तैयारी है एवं से ही चाउल आमर केन्द्र सरकार पर जहाँ हिताधिकारी योजना रही एनएफएससी खर्च है 23 लाख मेट्रिक टन एवं पीएम जिकेवाई खर्च है 9.50 लाख मेट्रिक टन आमर बड़का रहा 20 लाख मेट्रिक टन यही से 20 लाख मेट्रिक टन रु 13 लाख मेट्रिक टन ओडिशा सरकार को अनेक दाबी पर केन्द्र सरकार से चाउल को उठे किंतु बड़का 7 लाख मेट्रिक टन आम पाखे अच्छी जदि 7 लाख मेट्रिक टन चाउल आम पाखे अच्छी से बड़का चाउल जदि केन्द्र सरकार ने आम धान किणा बिकाय के सामिल हो पार तो ओडिशा जो बीजेपी प्रवक्ता भाई मैंने अच्छा बड़ बड़ कथा कहते माइक रे प्रेस मीट रे से तांकर सरकार को कहीं दाबी करूना ये जो बड़का चाउल आम पेडी प्रोग्राम ने केन्द्र सरकार अच्छा जदि चाउल किणवार तांकर दायित्व जदि धान किणवार तांकर दायित्व पैसा देकि कहीं आम ऋण करके धान किणबू पैसा पाइबू ना कहीं आम पाखे बड़का चाउल रहीटा नापी से केन्द्र सरकार पाखे दाबी करूँ नेता मानते मंत्री मानते दाबी रखु जो बड़का चाउल ओडिशा कहीं रत 7 लाख मेट्रिक टन 7 लाख मेट्रिक टन जोटा कि ओडिशा रे बड़का होती अच्छी चाषी कूल से एथर बहुत हईराण होती जदि गोटे एजेंट भी आगे जो अच्छी मिलर्स अच्छा जो मैंने कि एफसीआई रु चाउल नौकर गच्छित होता जो टाटा देवा कथा एफसीआई से पैसा से दे पारानी फल तो मिलर्स मैंने सिक्यूरीटी दे पारे ना सिक्यूरीटी नदेबा फल चाषी धान उठेबार विलंब है तो यही सब वैमातृक मनोभाव करुच्ची केन्द्र सरकार ओडिशा को सब पातर अंतर नीति रखुची सब बड़े चाषी कूल को से अवहेला करुच्ची चाषी मारण नीति तांकर अच्छी चाषी मानी केवल प्रेस मीट्रे कुंभीर कांगना कले हेबना आम चाषीपी कम करवा दरकार ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री आज जहाँ करशार कृषक मान उन्नति उपार्जन वृद्धिपाई ता केन्द्र सरकार कहीं करना तांकर एठी जो अच्छा नेतृमंडल से कहीं जाकि दाबी करूना केन्द्र सरकार पाखे जे आमर ओडिशा सरकार जो धान किणा बिका नीति में सामिल होती बकेया पैठ करूँ तांकर सरप्लस चाउल को उठातु किंतु से कथा ना से अधिकांश समय ओडिशा सरकार को बदनाम कर लगी चाषी कूल को विभ्रांत कर लगी चाषी कूल किपर जानवे जे यहीटा केन्द्र सरकार काम नुह ओडिशा सरकार किंतु चाषी कूल को आज मुझे विनम्र भाव में निवेदन कर भाई माने केन्द्र सरकार एजेंट भाव में ओडिशा सरकार काम कर जो केएमएस पीरियडा रहा धान प्रोक्योरमेंट धान किणा बिकार समय केन्द्र सरकार निर्धारण करते धान उठब के टा दिहब ता केन्द्र सरकार निर्धारण कर 1868 थी 1940 मात्र 72 टाँचा बढ़ी जोटा कि चाषी कूल को मानने प्रति गोटे अवमानना प्रति गोटे अत्याचार भाया कथा है तो मैं 1868 जिते बड़े एमएसपी अच्छी मात्र 1960 टाँचा वृद्धि करोटा कि ओडिशा सरकार
से विधानसभा मध्ये से रिजोल्यूशन पास करते सर्वसम्मति क्रमे जे आमर 2930 टंका करा जो किंतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय आमको समय मध्ये देलेनी देखा करिया पई समय देलेनी एवं ओडिसा रे जो नेता माने थिले बीजेपी भाई माने से माने भी सेटा जाय कि तांको प्रधानमंत्री को कहूनांती तांको मंत्री मानको कहूनांती खाली कुमीर कानना चासी मानक पाखरे अजथा कथा कही विभ्रांत करछंती अजुक्तिकर कथा कही विभ्रांत करछंती लोक ओडिशार बासिंदा ओडिशार चासी भाई एक कथा जानंतु जे कौ कौ प्रकार काम ओडिशा सरकार करुची एवं कौन अभिचार केंद्र सरकार करुची तो आज आम निश्चित भाव पाखरे गोटे रखिबो जो आमर दाबी रहिबो जे 6,570 कोटी बकेया से पैठ करंतु चाउल जो सरप्लस चाउल रहिला 7,000 क्विंटल ताको से लिफ्टिंग करंतु तापरे जो लिफ्टिंग ऑफ खरीफ पेडी 30 जून रु सेप्टेम्बर जून पर्यंत करिया पई जो आमे दाबी रखिचु सेइटा पूर्ण करंतु कारण गोटे मास मात्र बढ़ई छंती 30 जून रु 30 जुलाई करछंती ताकु आमे सेप्टेम्बर 2021 पर्यंत बढ़िया पई कहउछु नहले कौनसी प्रकार चाषी कुल उपकृत हेबे नाही जो खरीफ प्रोक्योरमेंट 30 डेज रो टोकन रखिछंती रवि प्रोक्योरमेंट पाई 15 दिन रखिछंती से केएमएस पीरियड जदि बढ़ेबे ताहले जाई आमे टोकन अवधि बढ़े पारिबो तृतीय कथा हला जे जहाँ आज केन्द्र सरकार को जे कोनोसी समय रे भी सबुबेले ओडिशा प्रति अभिचार करिछंती आपण चाषी मानक कथा कहा जाऊ धान प्रोक्योरमेंट कथा कहा जाऊ एमएसपी कथा कहा जाऊ सरकार को बकेया पैठ करिवार कथा हो एफसीआई चाउल उठाइबा कथा हो प्रत्येक समय रे ओडिशा को अभिचार करा होची तेणु आम अनेक युक्ति कर आम अनेक दाबी कर सारूँ अनेक लेखा गला चिठीपत्र पत्र विनिमय करागला किंतु केन्द्र सरकार शुणुना मुश्चित भाव में आज यही दाबी रखी बीजु जनता दल तरफ जे चाषी कूल को आपण मैंने अवहेला करूँ ना चासी मारण नीति करंतु नाही चासी माने समस्त जानिछंती किए काम करूची किए काम करूनी ओडिशा सरकार तांको पई केते काम करूची ओडिशा सरकार किपरि भावरे स्वच्छ नीति आरंभ करी तांकर तानोगिना बिकारे उचित प्राप्य तांको दउची जहां केंद्र सरकार निर्धारित करिछंती मिनिमम सपोर्ट प्राइस तेणु निश्चित भावरे यहा जदि आमर बीजेपी शासित केन्द्र सरकार जदि ए कथा न सुनिबो ताहेले निश्चित भावरे चासी भाई माने उपयुक्त जवाब देबे तांको विगत दिन में दे सारी विगत दिन में चाषी भाई माने सही बीजेपी लोक सारी ओडिशा रे जवाब आगामी दिन में मध्य पछघुंचा देवे ना जवाब देवाई एवं मु आज केंद्र सरकार का विरुद्ध रे जो चाउल उठाण हो ना बकेया टंका बाकी अच्छी से आसंता 20 तारीख दिन मंगलवार दिन समस्त एफसीआई गोडाउन सामने एफसीआई ऑफिस सामने बीजु जनता दल ओडिशा तरफ रु गोटे प्रतिवाद सभा हम प्रतिवाद करिबो आमे जे एफसीआई किपर भाव में धान उठाऊ ना केन्द्र सरकार किपर अवहेला करछंती चासी मानकु केन्द्र सरकार का दोमुहा नीति ओडिशार बीजेपी नेता मानकर कुंभीर कांदना प्रतिवाद रे एफसीआई गोडाउन सामने प्रतिवाद हेबो एवं निश्चित भाव में ओडिशार चासी कुल जानिबे जे प्रकृत रे तांकु अवहेला किए करूछि एवं तांका सांगरे किए अछि।